और देखिए कि ड्राइविंग लाइसेंस का लाइव टेस्ट कैसा होता है। अभी तक आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने को मिले होंगे, लेकिन किसी का भी ऐसा वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है जिसने ड्राइविंग टेस्ट का अपना फुटेज डाला हो। सो हे गाइस, मैं पार्किंग में पहुंच गया हूं और अभी मैं कार निकालूंगा। गाड़ी साफ हो चुकी है वैसे तो। सो हे गाइस, जस्ट मैं अभी पहुंच गया हूं RTO मयूर विहार पे, एंड मैंने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे हैं। कुछ पेपर्स रह गए थे तो मैं कैफे जाके मैंने उनको कंप्लीट कराया। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पीछे का सीन कैसा है। और अभी सिर्फ मैं आया हूँ अकेला, और कोई भी नहीं है। मैंने सोचा था कि कुछ लोग होंगे तो जिनका टेस्ट देखूंगा तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा, थोड़ा कम डर लगेगा। वैसे डरने की कोई बात है नहीं, मैं 3-4 महीने से कार चला रहा हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैंने आज तक किसी को ठोका नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। बाकी का वीडियो मैं आपको GoPro से दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे GoPro भी फिट कर रखा है। तो जो भी आगे टेस्ट रहेगा वो GoPro पे रहेगा, और इस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, अपने फेस की। तो मतलब और दोनों वीडियो को मर्ज करके डालूंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि ड्राइविंग लाइसेंस का लाइव टेस्ट कैसा होता है। अभी तक आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने को मिले होंगे, लेकिन किसी का भी ऐसा वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है जिसने ड्राइविंग टेस्ट का अपना फुटेज डाला हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड हो सके और आपके सामने पूरा ड्राइविंग टेस्ट आ सके कि कैसे कैसे ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है और अंदर से कैसा फील हो रहा है। तो लेट्स सी। 9:30 हो गया है और अभी इनका सर्वर डाउन है, तो टेस्ट में थोड़ा सा डिले होगा। पीछे काफ़ी भीड़, कोई भी नहीं है, सारे लोग इस तरफ हैं। तो मतलब हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग टेस्ट के लिए आए हुए हैं, और देते हैं बस टेस्ट थोड़ी देर में। सो गाइज, टेस्ट स्टार्ट हो गया है और मेरे सामने अभी एक बंदा फंस चुका है। बहुत ज़्यादा जगह है, ऐसा नहीं है कि जगह कम है, काफ़ी ज़्यादा जगह है। अभी मेरा वीडियो बनेगा, वहाँ पे खड़े होकर बना लेना। तो सबसे पहले गाड़ी ले जानी एकदम सीधा, फिर रिवर्स में एस बनाना है। तो देखते हैं भैया जी कैसे कर पाते हैं हम। वेल, वैसे मुझे तो ट्रस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत नर्वस सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं फेल भी हो गए हैं, काफ़ी लोग पास भी हुए हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी गाड़ी अभी यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, सबसे बड़ी गाड़ी मेरी है। लोग नैनो, ऑल्टो, ये सारी गाड़ियाँ लेके आए हैं, और या सेंट्रो या i10, i20, एंड मेरे पास है होंडा सिविक, काफ़ी लंबी गाड़ी है। तो मतलब एक मोहित सोनी, श्याम शंकर सोनी।
मैंने हैंड ब्रेक यूज किया था क्योंकि वही ना पीछे जाती है इसलिए उस गलती में एक्सेलरेट थोड़ा सा हो गया था। नहीं मैं ऑटोमेटिक में तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या हैंड ब्रेक लगा के रखा था, जब छोड़ा मैंने तो हैंड ब्रेक के चक्कर में थोड़ा एक्सेलरेट भी पुश हो गया। पूछ लो प्लीज। मोहित धोनी कार्ड लेके केबिन में, सॉरी मोहित धोनी केबिन में आएंगे। ओके गाइस, सो टेस्ट क्लियर हो गया और मैं जा रहा हूँ अपने घर। मजा आया सच में।